मध्य प्रदेश में बजा उपचुनाव का बिगुल। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव की तारीख घोषित करते हैं, साथ ही आज से आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू हो गई है, जिसमें नामांकन 9 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर को अंतिम दिनांक रहेगा नामांकन दाखिल करने का। वहीं 3 नवंबर को मतदान होंगे, वहीं 10 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव को लेकर दोनों ही दलों में तैयारियों जोरों पर है। कलेक्टर ने आज बैठक लेकर सारी जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बदनावर उपचुनाव के लिए घोषणा कर दी गई है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आयोग के निर्देशों के पालन में पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आयोग के द्वारा ये सभी प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया है, नाम निर्देशन लिए जाने से लेकर वापसी ले से लेकर, और 3 तारीख को पोलिंग होगी और 10 तारीख को काउंटिंग यहाँ पॉलिटेक्निक पे कराई जाएगी। उसके साथ ही आयोग के निर्देश के पालन में सभी प्रकार के आदेश चुनाव के जारी कर दिए गए हैं, जिसमें धारा 144 के आदेश हैं, साथ ही शस्त्र निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर सभी को अपने शस्त्र जमा कराए जाने होंगे। किसी प्रकार के नए कार्य जारी किए जाने न किए जाएं, इसके संबंध में भी आदेश जारी किए जा चुके हैं और पॉलिटिकल पार्टी के साथ स्टैंडिंग कमेटी के बैठक करके उनको इसके निर्देशों से अवगत करा दिया गया और उनसे ये उम्मीद की गई है कि आदर्श आचार संहिता का पालन के आने वाले उपचुनाव को लेकर आज धार जिले में आचार संहिता लग गई है और अगले 1 महीने तक नॉमिनेशन और वोटिंग और काउंटिंग सभी उसमें प्रॉपर पुलिस व्यवस्था लगेगी। इस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में जो प्रिवेंटिव कार्रवाई हैं, नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं और सभी जो मेजर्स शांति बनाए रखने के लिए लिए जाने हैं वो लिए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे।